कैसा लगा आज का मेरा इंट्रो? एक्चुअली बहुत टाइम से कभी खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, कभी जमीन पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो आज मेरी डॉटर ने मुझे सजेस्ट किया कि मामा आप ना इस बेंच पे बैठ के वीडियो बनाओ और मैं पहले लाइट ऑफ कर दूंगी उसके बाद आप आना। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखा जाए, तो बस यही था। और एक्चुअली रिक्वेस्ट आई थी कि इस साड़ी में प्रॉपर ब्लाउज के साथ वीडियो बनाने की, तो मैंने सोचा ज़्यादा देर क्यों करनी है, आज ही क्यों ना ट्राई कर लिया जाए इसे। और फिर हैंकी टक को भी लेके बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि हैंकी टक करके भी दिखाना है। तो इसी वीडियो में मैं दोनों चीज़ को मिक्स कर रही हूँ कि मैं भी आपको पूरा गेटअप दिखाऊंगी और हैंकी टक करके भी दिखाऊंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैंने आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। मैंने आज पायल पहनी है, तो मैं एक्चुअली वैली पहन के खड़ी होती तो मैंने उतारा नहीं, मैं पहन के ही बैठ गई हूँ। तो मैंने पायल ट्राई किया है आज और बताना कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, मैंने ये पर्पल कलर की बिंदी भी लगाई है, कोशिश की है मैच करने की साड़ी के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी मदर की साड़ी है, तो ब्लाउज तो मैचिंग का मेरे पास मतलब मेरे साइज़ का हो नहीं पाया, तो मेरे पास एक सिल्वर ब्लाउज था तो मैंने वही इसके साथ मिक्स कर लिया है। और एक मेरे पास ये नेक पीस था सिल्वर कलर का, तो विद ईयर रिंग्स, तो मैंने ये भी ट्राई किया है क्योंकि इसमें सिल्वर का ज़्यादा यूज़ है, गोल्डन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने इसलिए कुछ भी गोल्डन नहीं पहनी है। मैंने वॉच भी सिल्वर पहनी है और कोई इंसिडेंस ली ना, जो इसके अंदर का जो डायल है वो भी पर्पल है, तो मतलब ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि साड़ी के लिए मैंने वॉच खरीदी थी। और साथ में मैंने ये ब्रेसलेट पहना है अपना सिल्वर कलर का। तो इस तरीके से छोटा सा ये गेटअप मैंने रेडी किया है और मैंने ये हेयर कट लिया है, तो आप ये भी बताना कैसे लग रहे हैं मेरे हेयर कट। और बाकी तो कुछ नहीं है, लुक तो मैंने बस यही लिया है। और हाँ, एक चीज़ आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने सीधा पल्ला किया है, तो मोस्टली उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती हूँ, तो आज मैंने सीधा पल्ला किया है साड़ी में, तो ये बताना कि कैसा लग रहा है। और तो चलिए फिर हैंग के भी टक कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ये इस तरीके से एक हैंकी के साथ भी पोज दे देती हूँ मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ और है तो कमेंट करके बताइएगा और किस एरिया पे इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जल्दी, बाय।